नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। स्कैबीज यानी खाज एक आम लेकिन परेशान करने वाला त्वचा रोग है। ये बहुत तेजी से फैलता है और इस रोग में की गई लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। स्कैबीज यानी खाज किन कारणों से हो सकता है और ये रोग कितना गंभीर है और आयुर्वेद की मदद से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, आइए जानते हैं। क्या आपकी स्किन में भी पानी वाले दाने हो गए हैं? क्या आपको भी बहुत जल्दी दाद, खाज और खुजली हो जाती है? तो क्या करें, जानने के लिए देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। तो डॉक्टर चौहान, स्कैबीज खाज आखिर ये होता किन कारणों से है और ये शरीर पर कहाँ कहाँ हो सकता है और कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है स्कैबीज, जो है एक प्रकार का त्वचा का रोग है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम इसके बारे में तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। और त्वचा के नीचे जो है हमारी जो स्किन होती है इसकी लेयर के नीचे, वहाँ पर जो है सार्कोप्टिस स्कैबाई करके इस नाम का एक छोटा सा, इसको हम क्या कहें, कीड़ा कहें या माइट्स होती है ना जैसे, उस तरह की वो छोटे छोटे से कीड़े वहाँ पर जो है, बहुत दिखने वाले नहीं होते हैं, वो आपको नज़र नहीं आएंगे, वो वहाँ पर पनपने लगते हैं और उसके कारण फिर वहाँ पर खुजली खारिश शुरू होती है। शरीर के किसी भी हिस्से में आमतौर पर ये हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो है हमारी उंगलियों के बीच में या फिर पैरों की उंगलियों के बीच में, जो जहाँ पर स्किन के फोल्ड्स होते हैं, आर्म पिट्स हैं जैसे हमारी, वहाँ पर कमर के एरिया में, जेनिटल एरिया में, ग्रोइन एरिया में और हिप्स के एरिया में, इन जगह ज़्यादा देखा जाता है। कई लोगों को पेट और छाती पर भी स्कैबीज होती है। जहाँ पर भी स्कैबीज होगी उस हिस्से में बहुत तेज़ खुजली होती है, जलन होती है। स्पेशली रात के टाइम खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जब आप सोने के लिए जाते हैं उस टाइम स्कैबीज में बहुत तेज़ खुजली होती है। और ये डेफिनेटली एक संक्रामक रोग है, कॉन्टेजियस है और एक से दूसरे को बहुत जल्दी से फैलता है, ख़ास तौर से अगर हमारे जो पर्सनल आइटम्स अगर संपर्क में आते हैं। लेकिन अगर एक एनवायरनमेंट में भी हम रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तो दूसरे को उससे हो सकती है। कई बार देखा होगा ना, बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक बच्चे को स्कैबीज हुई तो दूसरों को भी लग जाती है उससे। या फिर ऑफिस में जहाँ भी क्लोज्ड एनवायरनमेंट हमारा जो होगा उसमें अगर हम रहते हैं तो एक से दूसरे को लगने के चांसेस इसमें काफ़ी रहते हैं। और इसीलिए जो स्कैबीज का रोगी आमतौर से उसको कहते हैं, उसको थोड़ा अलग रखना पड़ता है, ख़ासतौर से उसके पर्सनल आइटम्स, तौलिया, कपड़े वगैरह, उसके संपर्क में दूसरे आदमी को नहीं आना चाहिए। आयुर्वेद की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आयुर्वेद में जो स्किन के रोग होते हैं आपको मालूम है, कई बार से जो है इनकी चर्चा आपको करते हैं कि पित्त दोष की अधिकता से आमतौर पर स्किन के रोग होते हैं, या हमारी जब इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, ख़ासतौर से हमारी स्किन की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, तो उसमें फिर ये रोग हमारे शरीर में आते हैं। और आयुर्वेद में जो है त्वचा के रोगों का बहुत अच्छी तरह से काफ़ी डिटेल्ड वर्णन है। और जीवा में, जैसा मैंने पहले भी कई बार अपने शो में बताते हैं, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की पूरी एक टीम है हमारी, स्पेशलिस्ट हैं, रिसर्च के लोग हैं, बहुत अच्छे उसमें जो हम बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं उसमें कई रिसर्च करते हैं, खासतौर से शास्त्रों में से निकालते हैं अपने, लेकिन उसको किस तरह से, कौन सी अवस्था में कौन सी मेडिसिन काम करेगी, कई प्रकार के लेप हैं, कई प्रकार के ऑयल्स हैं, इंटरनल मेडिसिन है और साथ में पंचकर्म चिकित्सा बहुत बढ़िया काम करती है। जितने भी आपके जो त्वचा के रोग हैं, अगर आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो इलाज करा के, तो सेहत का नंबर आपके पास है, डायल करिए, जीवा में डायल करके पूछना कि मुझे स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एनरोल कराना है। 4 महीने का प्रोग्राम है, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग कोच और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और वो एक एक चीज़ को आपके साथ जो है कराते हैं आपको, और साथ में आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी हर तरह से रूट कॉज को समझ करके उसकी चिकित्सा करते हैं। ब्लू टी कैसे है सेहत की संजीवनी, जानिए डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं जानना चाहूंगी स्कैबीज की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से स्किन के डिजीजेस होती हैं, हम कैसे इसको पहचाने और क्या ये भी आगे जाकर कुछ गंभीर रूप ले सकता है? देखिए, डेफिनेटली जो लक्षणों की अगर हम बात करें तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन गंभीरता की जो आप बात पूछ रहे हैं, गंभीर रोग तो ये नहीं है, ऐसा नहीं कि ये कोई इनक्योरेबल कंडीशन है। आमतौर पर अगर इलाज इसका समय पर, आप सही समय पर इलाज करते हैं, तो रोग ठीक हो जाता है। और इसके
कोई बहुत आवश्यक ये होता है कि आपको उसकी प्रॉपर केयर, साफ सफाई का ध्यान रखना। कई बार रोग का कारण अगर हम छोड़ करके कुछ और किसी चीज़ का इलाज कर रहे हैं, कई बार होता क्या है कि आप वहाँ कोई क्रीम लगा देते हैं या केवल जो सिम्टम्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई लेप लगा दिया, कोई तेल लगा दिया, लेकिन जो उसका रूट कॉज है, जो उस रोग की जो जड़ है, उस पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर थोड़ा क्या होगा कि रोग आपका थोड़ा गंभीर यानी कि क्रोनिक अवस्था में पहुंच जाएगा, तो रिलीफ आपको मिलेगा नहीं। और फिर क्या होता है कि जब हम दोषों को बैलेंस ना करें सही समय पर, तो एक धातु से दूसरी जगह भी वो चले जाते हैं। तो स्कैबीज वैसे तो एक प्रकार का, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको, एक प्रकार का ये क्या है, त्वचा का रोग है। और त्वचा के रोगों का इलाज जब हम आयुर्वेद में करते हैं तो आपको ये भी मालूम है कि उसके जो विशेष लक्षण होते हैं, जैसे कि स्कैबीज में मैंने बताया आपको कि उसमें खुजली है, जलन होती है, रात के समय अधिक ज़्यादा परेशानी होती है, जहाँ पर स्कैबीज का इन्फेक्शन होता है वहाँ पर थोड़ी रेडनेस हो जाती है, थोड़े जैसे रैशेज पड़ जाते हैं ना, ऊपर हल्की सी सूजन वहाँ कई बार हो जाती है, कई बार वहाँ थोड़ा हल्का सा उभार होता है, और छोटे छोटे से वहाँ पर जो है छाले, अल्सर टाइप के वहाँ पर बन जाते हैं। कई बार अन्य त्वचा के रोगों जैसा भी ये दिख सकता है आपको, क्योंकि कई त्वचा के रोगों में इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए आपको जो है अपने आप कई बार मालूम नहीं चलेगा कि आपका कौन सा रोग है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने डॉक्टर खुद मत बनो, डॉक्टर से परामर्श लो। और जीवा में, जैसा मैंने कहा, स्किन स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, हमारे यहाँ त्वचा रोग के अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनसे आप ज़रूर बात करें, बहुत अच्छा सफल इलाज हमारे यहाँ अवेलेबल है। और जैसा जो स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की मैंने बात की, उसके बारे में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो सेहत के नंबर पर डायल करके उनसे पूछिए कि जो आपका STP प्रोग्राम यानी कि स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। और संजीवनी दर्शक महेश जुड़ गए हैं गोरखपुर से। महेश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं महेश बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी सर, तो 2 से 3 महीने पहले से हाथ में, सीधे वाले हाथ में इसमें सोरायसिस की वजह की प्रॉब्लम है उसमें। सर देखिए, सोरायसिस है तो आप, और अगर 2-3 महीने से शुरू हुआ तो बिल्कुल देर मत करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है सोरायसिस का या एक्जिमा का या स्किन के जो भी पुराने प्रॉब्लम है, उनका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पिछले जो है करीब 1 साल से ऊपर ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम इसका इलाज करते थे, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, उसकी तह में पहुँचते हैं, और पहुँच करके वहाँ जब उसके रूट कॉज को समझ कर उसको एड्रेस करते हैं। और ये क्या है कि हर व्यक्ति का पर्सनलाइज्ड होता है। आजकल क्या है, आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि एक ही दवाई आयुर्वेद में सबको दी जा रही है, वो आयुर्वेद का प्रिंसिपल नहीं है। अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा आपको कहीं से लेनी है तो डेफिनेटली आप ये ज़रूर चेक करिए कि क्या केवल आपके लिए दवाई बनाई गई थी वो, या कोई एक दवाई है वो सभी को वही दी जा रही है। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप जीवा का जो नंबर है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर कॉल करके आप तुरंत हमारे यहाँ एक प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। और अगर आपके शहर में हमारी क्लिनिक है तो पर्सनली जा करके हमारे डॉक्टर से वहाँ मिल सकते हैं, लेकिन देर मत करिए और इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेद में डेफिनेटली होता है। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को स्कैबीज हो जाए तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और भविष्य में ना हो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, मेन जो चीज़ है, जब भी आपको कोई रोग आता है उसको आपको बचाना है, तो एक तो ये आपको देखना है कि किस सीज़न में ये होता है। जैसे वातावरण में जब भी कभी ह्यूमिडिटी होगी, या बहुत गर्मी का सीज़न होगा, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको कई बार, या बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, या त्वचा में आपके ड्राइनेस हो जाती है कई बार किसी कारण से, तो फिर क्या होगा उसके कारण वहाँ खुजली, खारिश और ये इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है, आपने देखा होगा, तो उनके नेचुरली तेल ज़्यादा निकलता है, तो वहाँ जो है क्योंकि ऑयल के कारण मिट्टी वहाँ जम जाती है, और मिट्टी के अंदर जो है कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन होने का खतरा ऐसे ही बढ़ जाता है आपका। तो जहाँ तक हम आयुर्वेद की अगर हम बात करें, तो आयुर्वेद में रोगों का जो मुख्य कारण होता है वह तो वात, पित्त और कफ। ये 3 दोषों में जब इम्बैलेंस होगा, एक में होगा, 2 में या 3ों में हो जाए, और इन 3ों दोषों का इम्बैलेंस का कारण जो कहाँ से आएगा, वो आपके भोजन और आपके लाइफस्टाइल से आएगा। अगर आप खाना गलत खा रहे हैं या आपका लाइफस्टाइल गलत है, तो इसलिए साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें और प्रॉपर स्किन केयर जरूर करनी है आपको। स्किन केयर में जीवा में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नीम का फेस वॉश है हमारा,
नीम का मड पैक है, साबुन है, कई तरह के हमारे फेस के लिए स्क्रब्स हैं, क्रीम्स हैं, उनका आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। प्रॉपर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और तेज़ धूप से बचें। अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, ओवर एक्सरसाइज ना करें। कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, जिमिंग वगैरह कर रहे होते हैं। दिन में जो है 2 बार स्नान अवश्य करना चाहिए, गर्मी के मौसम में तो डेफिनेटली करना चाहिए। और पाचन को ठीक रखना है अपने, क्योंकि पाचन जब ठीक नहीं होगा तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए डाइजेस्टोल, मैं बार बार बताता हूँ, जीवा का डाइजेस्टोल चूर्ण आपके पास रहना चाहिए। बरसात के मौसम में ख़ास तौर से गीले कपड़े, या कहीं आप भीग जाते हैं कई बार बारिश में, तो वहाँ फिर त्वचा का आपको विशेष सुखाना उसको ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ भी कई तरह के इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। तो ये छोटी छोटी सी आप अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो डेफिनेटली आपको रोग भी नहीं आएगा और आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हम बात करते हैं क्योंकि खाज की तो हम बात कर ही रहे हैं, और कुल मिलाकर हम कहते हैं कि दाद, खाद और खुजली, अगर ये सब चीज़ें हों तो ऐसे में आयुर्वेद क्या इलाज बताता है? देखिए, आयुर्वेद का तो सीधा सा है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि त्वचा के जो रोग हैं, एक तो मामूली रोग हो या कोई कठिन रोग हो, दोनों का ही बहुत अच्छा उपचार जीवा में हम करते हैं। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि जीवा में हमारे यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं और पूरी एक रिसर्च टीम होती है, बैक एंड पर हमारी रिसर्च टीम है, जो स्किन के जो भी रोग हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हमें जो है नई इन्वेंट करनी है, क्या नए हमें जो है फॉर्मुलेशंस तैयार करने हैं, या शास्त्र में हमारे क्या लिखा है, तो ये प्रोग्राम हमारे यहाँ अवेलेबल है, इसका ज़रूर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे यहाँ क्रॉनिक एक्जिमा, क्रॉनिक सोराइसिस या ल्यूकोडर्मा, जिसमें सफ़ेद दाग हो जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और केवल भारत के नहीं, पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं। जीवा में हर चीज़ जो हम करते हैं वो एक प्रोटोकॉल के तहत की जाती है। तो उसमें क्या है, पंचकर्म चिकित्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। दूसरा, इसके साथ साथ विरेचन चिकित्सा हम लोग करते हैं। विरेचन में क्या है, आपको थोड़ा सा जो है प्रिपेयर करके उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे एक परगेशन थेरेपी उसको हम कराते हैं। इसके अलावा इंटरनल मेडिसिन भी दी जाती है खाने के लिए हमें जो है अंदर से, ताकि ब्लड की प्योरिफिकेशन हो, स्रोतस हमारे साफ रहें, चैनल्स हमारी ब्लॉक हो जाती हैं वो ठीक हों। प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अगर आपको केवल प्रिवेंशन करना है, जीवा की स्किन फिट टैबलेट बहुत अच्छी है, नीम टैबलेट है, नीम का सिरप भी है, नीम का शैम्पू भी है, नीम की सोप भी है, और टर्मरिक क्रीम है, त्रिफला टैबलेट्स हैं, त्रिफला घृत है, एक पंच घृत, पंच तिक्त घृत आता है, वो भी बहुत बढ़िया है। पीने वाली दवाइयाँ भी कई प्रकार की अवेलेबल हैं। उसके लिए आप जीवा के ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे तो स्किन जब सेक्शन में जाएंगे आप, आपको सबका लिस्ट और उनका क्या उनका फायदा है उनका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 01294040404, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। ब्लू टी आखिर कैसे है ये सेहत की संजीवनी, जानिए डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।